नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। साउथ ब्लॉक डिजिटल पर आप देश दुनिया की खबरें तो देखते ही हैं, लेकिन आज हम आपको दो ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आने वाले लोगों की कहिए तो एक बड़ी मदद करते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं या फिर स्टार कास्ट जो भी होता है, उनके कपड़े काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी तरह के शॉट्स होते हैं और कपड़े लगातार बदलते हैं। और आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर ये उठा होगा कि ये कपड़े कहां से आते हैं, इनको कौन डिजाइन करता है और कैसे सिलेक्शन होता है। मेरे साथ सृष्टि और निशांत हैं जो कि जेनिथ नाम से जो है एक कंपनी रन करते हैं जो कि आपको एक्टर्स, मॉडल्स या फिर कहें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के कपड़े डिजाइन करने का काम, उनके लिए कपड़े जो बनते हैं उनको बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साउथ ब्लॉक डिजिटल में। थैंक यू सो मच। मैम सृष्टि जी, मेरा एक सवाल आपसे है, जैसा कि मैंने दर्शकों को भी बताया, कैसे आप लोगों ने कैसे इसकी शुरुआत की और अभी तक ओवरऑल जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिला, लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपके काम? सो बेसिकली जेनिथ हमारा जो ब्रांड है, हमने स्टार्ट किया था 2013 में, एंड पहले हम कैजुअल आउटफिट्स बनाते थे, फिर हम धीरे धीरे टक्सीडोज में घुसे, फिर हमने शेरवानी इसमें शुरू किया। अब हमारा रिसेंटली 3 साल पहले हमने वुमेंस का भी शुरू किया। तो हमारा बॉलीवुड में, और अगर आप सेलेब्स की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेसिकली बात करें, तो काफ़ी लोग हमारी चीज़ें पसंद करते हैं। वहाँ पर गाउन्स हमारा हो गया, टक्सीडोज हो गई, शेरवानीज हो गई, ये सब हम उन्हें वहाँ पर पहनाते हैं एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को। एंड लोगों का कहना है कि हमारा जो स्टोर है पीतमपुरा में, विच इट इज़ लाइक अ हिडन जेम इन द सिटी, जो कि हम काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को अच्छी टक्कर देते हैं, एंड बढ़िया है, सारा अच्छा चल रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि काफ़ी चैलेंजेस आता होगा इस फील्ड में, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग आते हैं इस सेक्टर में, और एंटरटेनमेंट सेगमेंट जो है और ये जो इंडस्ट्री है इसमें मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है और जैसे फिल्म आ गई तो उसमें लोग देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं, तो इसे पूरा करने के लिए आप लोग कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि लोगों की जो मांग है उसको कितनी जल्दी और काफ़ी एक मतलब हेल्पफुल तरीके से उसको कम्प्लीट कर पाए? सी देखिए, यही तो एक डिज़ाइनर का एक मेन फोकस होता है कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसको कितनी जल्दी कैच करें और किस तरीके से उसको मार्केट में एक्सेप्टेबल हो वो डिज़ाइन। यही तो मेन क्वालिटी एक डिज़ाइनर के अंदर होनी चाहिए कि आज अगर मुझे ये मार्केट का ये डिमांड है तो मुझे उससे रिलेटेड काम देना है, मुझे उसे अलग नहीं करना कि मैं कुछ अलग चलूँ। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी तभी होगी जब आपके डिज़ाइन एक्सेप्टेबल होंगे, तो आपको वर्क उसी तरीके से डिज़ाइनिंग में हमें बहुत फोकस रखना पड़ता है। हमें साल में 4 बार आपकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है, टफ टास्क है क्योंकि 24/7 आपको दिमाग चलाते रहना पड़ता है कि क्या क्रिएट करें जो मार्केट को एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन ठीक है, एक टाइम के बाद उसमें मज़ा भी आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हम जब हमारे क्लोथ्स पहन के लोग फ्लॉन्ट करते हैं और हमें टैग करते हैं और हमारे को फीडबैक देते हैं कि आपके क्लोथ्स पहने तो हमें बहुत तारीफ़ मिली, तो बस वही हमारा फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। और जैसा कि मैम आपने बताया कि पीतमपुरा में जो आपका मतलब कि स्टोर है ये, तो क्या इसमें दिल्ली से तो लोग आते ही होंगे, इवन मुंबई से भी, मतलब कि फिल्म इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, देश के बाकी शहरों से भी लोग आते हैं? बिल्कुल, मैं यही मतलब आई एम लाइक रियली हैप्पी टू टेल यू कि हमारे पास हैदराबाद, हमारे पास हिसार, रेवाड़ी, करनाल, हमारे पास दिल्ली के आउटस्कर्ट्स एंड इवन साउथ इंडिया से भी काफ़ी क्लाइंटल आती है। गैंगटॉक से हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, एंड उनका सिर्फ एक यही एंड में फीडबैक होता है कि एक एक बंदे ने आपका आउटफिट बहुत मतलब सराहा, एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है लोगों से, एंड आउट स्टेशन क्लाइंट्स हमारे पास बहुत होते हैं। कैसे पहुँचते हैं लोग आप लोगों तक? हमारा इंस्टा का पेज है, हमारे पास इंस्टा हैंडल है, अभी वेबसाइट भी हमारी प्रोसेस है, डेवलपिंग स्टेजेस पे है, एंड बाकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जो एक बार जेनिथ का शेरवानी या आउटफिट्स पहन लेता है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ पब्लिसिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि एक फैमिली हमसे, एक फैमिली नहीं उसके साथ जितने लोग हैं वो सब हमसे जुड़ जाते हैं। अच्छा, मैं अगर एक सवाल पूछूं आप लोगों से कि क्यों जेनिथ लें लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनिथ एंड अदर ब्रांड्स लाइक जेनिथ? इन इटसेल्फ जेनिथ का जो हमने जब नाम इसका सोचा था, जब ये बॉर्न हुआ ये ब्रांड, तो इस जेनिथ का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊंच ऊपर। तो मैं ये कहूँगी कि जेनिथ में हर एक चीज़ आपको कस्टमर सर्विस से लेके आफ्टर सेल सर्विस, क्वालिटी ऑफ द आउटफिट, सब कुछ एक ऐसा प्रीमियम और ऐसा टॉप लेवल का मिलता है कि अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन जो है क्लाइंट को मिलती है। प्लस वही है,
एक बार जो पहन लेता है तो उसकी पूरी फैमिली, एक दूल्हा अगर तैयार हो गया जेनिथ से तो फिर उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ जाती है। यानी कि क्वालिटी इज द मेन, क्वालिटी हमारा एक सुप्रीम मोटिव होता है, क्वालिटी एंड सर्विस। जो क्लाइंट को हम सर्विस देते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिडन है, हमारा स्टोर का कॉन्सेप्ट एक हिडन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जब वो क्लाइंट उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जब वो प्रोडक्ट बाय करता है, तो उसकी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस उसको इतनी अच्छी मिलती है कि वो चार बंदे हमसे जुड़ जाते हैं। हमारी अभी वेबसाइट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बट हाँ हमारे इंस्टाग्राम और सबसे बड़ी चीज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ये मेन है जिससे हमारे पास इतना क्लाइंटल है। और तो अभी तक जब से आप लोगों ने शुरुआत की है, ओवरऑल रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने बताया अभी, क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा सा मतलब कि इसे चेंज करना चाहिए तरीके को अब लोगों तक पहुंचने के लिए? हाँ बिल्कुल, हर बार मतलब हमें हर साल हमें लगता है कि कुछ नया करना चाहिए लोगों तक पहुँचने के लिए। हर बार मतलब कई बार ऐसे होता है, हर महीने लगता है कि कुछ नया करना है, कुछ नया करेंगे तभी आगे जाएगा। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ता है कस्टमर्स को पहुंचने के लिए। कस्टमर तक बिना कुछ नए करे आप जब तक अपडेटेड नहीं रहेंगे, कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। अच्छा मैम, क्या आप ये मानती हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम हो तो उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं है, लोग खींचे चले आते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हमारी सबसे मेन स्ट्रैटेजी है अभी तक। बट यस, अब क्योंकि अब एक ट्रेंड ना इंस्टाग्राम और ऑनलाइन का इतना हो गया है कि उस तरफ ध्यान देना भी इम्पोर्टेंट है। काम हमारा अच्छा है, पीस प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, बट कस्टमर को वहाँ तक लाना, एक उसके लिए मीडियम चैनल्स एक ढूंढना अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अच्छा, जैसे कि आपको दर्शक अभी देख रहे हैं, न्यू कमर्स जो है मॉडलिंग के लाइन में, एक्टिंग के लाइन में, इंडस्ट्री के लाइन में आप तक रीच करना चाहें, तो क्या आप लोगों ने कहना चाहेंगे कि वे किस प्रकार से आपसे जुड़े? क्या आप एक वो सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं दैट वी विल हेल्प यू इन योर वे? डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी, अगर मैं विमेंस वेयर की बात करूँ जेनिथ के, तो हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती है। मेकअप आर्टिस्ट हो गए या सेलेब्स हो गए, जैसे आप बात करें अगर टीना दत्ता जो बिग बॉस में थे, अवनीत कौर थे बिग बॉस में, इन सबके आउटफिट्स हम देते हैं। मतलब मेंस की अगर बात करें तो गुरु रंधावा ने हमारे आउटफिट्स पहने हुए हैं, करण सिंह ग्रोवर ने पहना हुआ है, टी वी सेलेब हैं संजय सम है कोई, उन्होंने मतलब हमारे काफ़ी बॉलीवुड में और इंडियन टीवी इंडस्ट्री में हमारे आउटफिट्स काफ़ी जाते हैं। तो जितने भी नए कलाकार हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्ट्स हैं, वो हमसे जुड़ते हैं। हमारी खुद की एक पीआर एजेंसी है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है, हम उनके अकॉर्डिंग कई बार कस्टमाइज करके भी उन्हें देते हैं। तो जेनिथ ने अभी तक काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दिया होगा? यस हाँ, बेसिकली हमारी 55 लोगों की टीम है, जिसमें कि हमारे जो हाथ के कारीगर्स भी हैं, सेल्स टीम है, हमारी बैकएंड टीम है, और मतलब अकाउंटिंग टीम है बेसिकली। तो हम कोशिश करते हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ फ्रेशर्स को हायर करना, क्योंकि एक ऑलरेडी उनके अंदर इतना जोश होता है और वो चाहते हैं कुछ सीखना, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सिखाना। तो मेरा ये मोटिव होता है कि मैं फ्रेशर्स को हायर करूँ और उनको अपने लेवल, अपने तरीके से सिखाऊँ। तो आपने जेनिथ के बारे में सुना कि जेनिथ क्या कुछ कर सकता है। अगर आप मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर कदम रख चुके हैं लेकिन आपके आउटफिट्स में जो है वो बात नहीं है, या फिर कई बार आपको इसके लिए इसको लेकर जो है डिजाइनर्स ने या फिर प्रोड्यूसर्स ने या फिर डायरेक्टर ने टोका है कि आपके आउटफिट्स में दम होना चाहिए, तो आप इसके लिए जेनिथ के पास पहुँच सकते हैं। जेनिथ आपकी पूरी मदद करेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेहरौली और शाहपुर के जो डिजाइनर्स हैं जो कि डिजाइन करते हैं कपड़ों को, उन्हें जेनिथ आप लोगों ने पीछे छोड़ा है। ये हाल में ही खबर हमें भी पता चली थी और इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आपने पढ़े होंगे, तो ये काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, और हमें विश्वास है कि आप जरूर जेनिथ के लिए जो है वो पहुंचेंगे जेनिथ के स्टोर पर, और जो भी अपने आउटफिट्स हैं उसे डिजाइन जरूर कराएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को इसी तरह देखने और जानने के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। कैमरा पर्सन कनिष के साथ आशीष कुमार, नई दिल्ली, झंडेवाला।